सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं नैनीताल आई हुई हूँ और नैनीताल का जो ट्रिप है उसका ये सेकेंड डे है। पीछे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अभी है दोपहर के बाद का, शाम का क्या सीन रहेगा वो बाद में देखते हैं। अभी हम लोग सुबह घूम के आए थे, बोटिंग करके आए थे नैना झील में, और अभी हम घर पे मतलब रूम पे रेस्ट करने के लिए आए। और रेस्ट करते करते थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर खाना पीना भी चलता रहता है, चिप्स वगैरह। यहाँ पे आके करना ही क्या है, खाना पीना आराम या घूमना। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे रूम में तंबोला खेलने, थोड़ी देर तंबोला खेलेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, मस्ती करेंगे, और उसके बाद फिर शाम को रेडी होके फिर हम जाएंगे मंदिर और गुरुद्वारा, यहाँ का जो मेन फेमस मंदिर गुरुद्वारा है ना वहाँ पे। तो आप मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। भैया लोग कराओगे ना? ठीक है, मैं चार्जर लेके जाती हूँ अपना, फ़ोन को चार्ज करते रहना पड़ता है, चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी तो व्लॉग कैसे बनाऊँगी भाई। जो उठ जाओ मम्मा, क्या उठ जाओ, मैं क्या हुआ, क्या मतलब क्या, उठ दो यार, पिज्जा लाए हम। हाँ नहीं मैं मजाक कर रहा था, हम छोले भटूरे लाए हैं, पिज्जा लाए यार। कौन सा ला रहे हो? हम वेज लोडेड कॉर्न पिज्जा क्लासिक। ठीक है यार, एक मिनट सबर नहीं हुआ, मैंने वीडियो बनानी थी, फोटो खींचनी थी, सब लोग खाने बैठ गए। ये रहा साबत, साबत मेरा कहाँ है? बच्चा तो सोया हुआ आपका, उसने नहीं खाना था पिज्जा। मम्मी आप इधर मेकअप करने आए हो, घूमने आए हो, हर टाइम मेकअप 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 मेकअप, आप यहाँ पे क्या करने आए हो? मेकअप करने और क्या, घूमने मत जाना, यहीं पड़े रहना घर पे। तुम तो मेरे पूरा दिन मेकअप करते रहना, चुप कर, घर पे तो सारा दिन तुम घर का मेकअप करवाते हो, सारा दिन काम करते रहो, तुम्हारे कपड़े धोते रहो, पोछा लगाते रहो, सफाइयां करते रहो, खाना बनाते रहो, यहाँ पे तो अपने आप के लिए टाइम निकालो। बाहर मत घूमना, घर पे ही पड़े रहना, इस कमरे में पड़े रहना, मेकअप करना बस पूरा दिन। अच्छा फिर क्यों कर रहे हो मेकअप? अच्छे दिखने के लिए, फोटोज अच्छी आएगी। मेरे को नहीं खिंचवानी फोटोज, मेरे को खिंचवानी है, मैं कर रही हूँ मेकअप, तेरा थोड़ी पुत्ता सवारी, तो मैं नहीं खींचूंगा आपकी फोटो। कपड़े बदलने नहीं? पक्का? हाँ ऐसे ही जाएगा चूड़ा बनके? चूड़ा क्या, आपसे बढ़िया दिखता हूँ मैं। औलाद किसकी है? पापा की। फिर से हम लोग रेडी हो गए, अब हमारा काम ही यही है भाई, ट्रिप पे आके तैयार होने का, घूमने जाने का, खाने का, सोने का, यही काम है, और क्या ही करे, ट्रिप पे किस लिए आते, यही इंजॉय करने तो आते ना। और हमारी औलाद और हमारे पति ये चीज़ें देख के परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो रूम से बाहर चले जाते हैं। तुम तैयार हो कुछ भी करो, जब तैयार हो जाओ हमें बुला लेना, है ना भाभी? हमारे सबके हस्बैंड का यही हाल है, क्योंकि हमारी शादी को बहुत बहुत साल हो गए। ये आगे महाराज, उठा उठा के थक गए इतना। मेरा पति कहाँ है भैया? नीचे। मेरा पति गुम हो गया। गुम हो गए? कोई और लड़की तो नहीं मिल गई थी? हमें कहाँ मिलना पड़ी? अब कैसी लग रही हूँ बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? जैसे पहले लगती है। चुड़ैल कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ देख ली बच्चों के लिए, टाइम पास करने, टाइम पास करने ना, मुझे पता है लेना देना तो कुछ नहीं है। उत्तरे छोटा सा फ्रॉक 989 का, देखना 529 का। अपने तुमने देखना है, कुछ लेना है हल तुम्हें टाइम स्पेंड करती रही। हाँ विंडो शॉपिंग के पैसे नहीं लगते, इसलिए विंडो शॉपिंग करने आए। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गुरुद्वारे और मंदिर मत्था टेकने। तो आपको भी दिखाएंगे हमारे ब्लॉग में कि कैसा गुरुद्वारा है, कैसा मंदिर है। मैं पहली बार जा रही हूँ, मैं पहली बार ही नैनीताल आई हूँ भाई, पहली बार ही जाऊँगी ना। और हमारे पति हमारे से 100 कदम की दूरी पे है, मतलब पास साथ में नहीं चल रहे। सो गाइस तो अभी हम आए हैं गुरुद्वारा साहिब में,
और ये बिल्कुल नैनीताल की मेन तिब्बत मार्केट के पास है। नैनीताल का मेन चौक मार्केट, यहाँ पे मार्केट है, खाने पीने की दुकान है, गुरुद्वारा जो मैंने अभी आपको दिखाया, और यहाँ पे मंदिर है जहाँ हम अभी जा रहे हैं। ये नैना देवी का मंदिर बिल्कुल नैना झील के किनारे पे है। पीछे की साइड से पूरा बैकग्राउंड व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है, दूर दूर तक पहाड़ है, रात के समय लाइटिंग है तो काफी सुंदर व्यू है। तो जैसे ही नैना देवी टेम्पल से हम बाहर निकले, लेफ्ट साइड में भी एक बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ भी बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत ज्यादा वैरायटीज है सामान की। वूलन का सामान बहुत है क्योंकि लोग ना ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर गर्मी है और यहाँ पर ठंड है, तो सब बहुत सामान परचेज करते हैं वूलन का, स्वेट्स वगैरह, स्वेटर्स एंड बहुत सारी चीजें। तो हम लोग तो पूरी मार्केट घूम भी नहीं पाए, थक गए थे, हमने सोचा कि चलो भूख लगी हम खाने ही चलते हैं। फिर आ गए हम रेस्टोरेंट जहाँ पर हम सुबह से मतलब दो दिन से खाना खा रहे हैं। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है इसलिए हमने एक ही जगह पे खाना खाया है। और यहाँ पे आज हमने ऑर्डर किया है पनीर की भुर्जी, दाल, चटनी और बस यही चीजें, क्योंकि दो दिन से ना बहुत हैवी हो रहा था। जैसे ही हम खाना खा के बाहर आए ना, मुझे ये खट्टी मीठी इमली दिखी। भाई ये मेरी फेवरेट इमली है, और मेरे को इमली दिखी और मैं ना खरीदूं और चटकारे ना लूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। एक कोने से दूसरे कोने तक चल के जाओ, बीच में कुछ खाते रहो पीते रहो और ज्यादा थकावट हो जाती है। खाने पीने में आपको थकावट होती है? हाँ होती है। और 10 बजे ना यहाँ मार्केट भी बंद होने लग जाती है, लेकिन हमारे हस्बैंड जो है ना सबके, वो नीचे ही है, बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आते हैं, देखते हैं कि कौन सी शॉप खुली होती है आइसक्रीम मिलती है। यहाँ पे ना आइसक्रीम हमें जो कौन चाहिए होते हैं ना वो नहीं मिल रहे हैं, खुले वाली आइसक्रीम मिल रही है, बहुत ही एक दो शॉप पे मिलती है, उसके लिए बहुत घूमना पड़ता है। लेट्स सी मिलती है नहीं, नहीं तो मैंने तो ये देखो खिलौना लिया है मम्मी के लिए, क्योंकि बच्चों ने आजकल मोबाइल के साथ खेलना है और मम्मी खेल रही है खिलौने के साथ। ये आपके लिए लिया है ना, और क्या, मोबाइल तो उसने यूज करना है, मोबाइल चला रहे मैं, क्या फायदा बताओ। आपने जिद नहीं की बस लेने की, लिया उसने जिद करके आपके लिए कि आप इसमें बिजी रहो, मैं फोन में बिजी रहूंगी। चलो भाई दूध दो अपना, दूध कौन सा दूध लाया है, तनिष्क का दूध दो, मेरा दियो, चाचू लाया ना दूध, बादाम, बादाम केसर है, केसर ये भी ना, ठीक है। सो गाइस तो आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं, नींद आ रही है, बस दूध पीते हैं और सो जाते हैं। आइसक्रीम नहीं खाई क्योंकि आइसक्रीम उस टाइम खाने का मन नहीं था, मेडिकल जा रही है और कल हमें यहाँ पे चेकआउट भी करना है, कल हम घर जाएंगे। तो कल का व्लॉग भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, अभी के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।